नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम लोगों ने कल वर्णमाला पढ़ी थी, तो आज देखते हैं वर्णमाला पर आधारित कुछ प्रश्न। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, देखते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो इनकी संख्या हो जाएगी चार। और कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ और शृ, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये वो व्यंजन है कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो इनकी संख्या भी हो जाएगी चार। और ये चार कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुल स्वरों की संख्या होती है ग्यारह, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे आपके चार। तो अगर पूछ लेता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे सात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो अगर लुंठित व्यंजन की बात करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा र। किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है लुंठित व्यंजन कौन सा है, चार ऑप्शन होंगे, तो आपको र पर ही टिक लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाएगा ल। अब देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो यह आपका बनेगा क प्लस श प्लस आ से। क और सा दोनों में स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है दोनों, और लास्ट में आपका आ लगा हुआ है, तो इन तीनों से मिलकर बनता है आपका शाह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा वर्ण, या इसे अक्षर भी कहते हैं। देखिए, अक्षर क्या होता है? आ मतलब नहीं, क्षर मतलब छरड़। जिसका छरड ना हो सके वह आपका अक्षर कहलाता है। जैसा आप लोग ऊपर देख रहे हैं क लिखा हुआ है, तो यह एक अक्षर है, इसमें आ नहीं है, तो इसका छरड नहीं हो सकता क्योंकि इसका छरड पहले ही हो चुका है। तो ये आपका हो जाएगा अक्षर। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किससे मिलकर बनता है? तो यह आपका हो जाएगा ज प्लस व प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका ज्ञ वर्ण। देखिए, अगर आ नहीं देता है तो ये जो ओआ बना है इसमें नीचे हलंत नहीं होगा, ये पूरा वर्ड होगा एक। अभी इसका चरण मैंने कर दिया है, तो इसमें से आ निकल चुका है, इसलिए मैंने इधर आ लिख दिया है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होना, अगर पेपर में ओआ के नीचे हलंत नहीं लग के आता है, तो वो भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो साथ साथ लिखते जरूर रहिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो अर्ध स्वर कहते हैं या को। देखिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो आप लोग सबसे पहला काम कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए सभी के पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दिया कीजिए, जिससे और भी लोग इससे पढ़ सकें। उसके बाद आप लोग वीडियो को देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपके पास ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहें। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अयोग वह किसे कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा विसर्ग। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अयोग वह कौन से वर्ण हैं? किन वर्णों को अयोग वह कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे अंग अह, ये दोनों वर्ड अयोग वह होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान। देखिए, सबसे पहले तो ए को अगर हम तोड़ें, तो इसे हम लिख सकते हैं आ प्लस ई।
तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तरा किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो यह आपका हो जाएगा त र प्लस अ। वही बात, अगर हम लोग आ ना लिखना चाहें, आप पेपर में ना लिखा हो, तो रा के नीचे हलंत नहीं लगा होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो यह आपके हो जाएंगे ओम और हे राम। जिन वर्णों का उच्चारण थोड़े लंबे समय तक के लिए हो, वह आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यह आपके हो जाएंगे बड़ा आ, ए और ओ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन बन के आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए, और उसके बगल में घंटी बन के आएगी, उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए हैं तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जितना भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साथ साथ लिखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।